मैं कम से कम 70 किलोमीटर गांव है मेरा, सियाने से मैंने कभी सियाना देखा भी नहीं था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसमें पुलिस कैसे ले गई आपको? पुलिस तो मेरे पास आई और मुझे उठा के, जो भी मेरे साथ में बिल्कुल निर्दोष हूँ, जो भी साहब मदद हो सके, कुछ मीडिया वालों ने हमसे पूछताछ वहाँ भी की थी, हमने वहाँ भी यही जवाब था और हम बिल्कुल निर्दोष हैं। फिर तो मीडिया के जरिए कुछ गांव वाले लोगों को पता चली, जब मीडिया वालों ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है, और जी हम ये भी चाहते हैं कि और भी कोई साथ हो हमें तो साथ दें, इस बात का हम बिल्कुल निर्दोष हैं, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं। हम आगे कदम ये चाहते हैं कि हमारे साथ नाजायज हुआ है, गलत हुआ है, उन्हें कुछ न कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की। और जो 3 लोग पकड़े गए थे जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनसे जितने भी बस में थी, साइकिल थी, गन थी, सारी चीज़ें बरामद कर दी। माननीय न्यायालय के अनुरोध किया, न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया है, और बाकी और जो मूल अपराधी हैं जो मुख्य रूप से इसमें शामिल उनकी भी तलाश की। कितने लोग को रिहा है? 4 लोग। फिलहाल करीब 65 वर्षीय बन्ने खान अब अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ है कि उन्हें बेवजह ना सिर्फ टॉर्चर किया गया बल्कि एक झूठे आरोप में जेल में भी रहना पड़ा। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।